हाई एवरी वन वेलकम टू पी एस एम क्लासेस सो वी आर गोइंग टू डिस्कस केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर फोर ओके सो इसमें हमें बोला गया है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन वेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमें क्या बोला गया है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिसप्लेस करता है उसके कंपाउंड से तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी दिस रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स और ये रिएक्शन तो, दो टाइप की है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कितने टाइप की है? दो टाइप की सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट आयरन बींग मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है डिस कॉपर फ्रॉम एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन में से कॉपर कौ, सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है ठीक so, है सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका एग्जांपल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमें बोला गया ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू सोडियम ब्रोमाइड अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम ब्रोमाइड को हम ऐड करते हैं तो हमें जो है एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड का एंड सॉल्यूशन ऑफ़ सोडियम नाइट्रेट इज़ फॉर्मड और सोडियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन मिलता है सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब फर्स्ट केस में क्या हुआ कि फर्स्ट केस में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर जो है कॉपर जो है उसका डिसप्लेसमेंट हुआ किससे डिसप्लेसमेंट हुआ आयरन से डिस्प्लेसमेंट हुआ ठीक है और किसमें से डिस्प्लेसमेंट हुआ कॉपर सल्फेट में से तो बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया ठीक है सेकंड में क्या हुआ कि जो सेकंड रिएक्शन में यहाँ पर सिल्वर जो नाइट्रेट था उसका रिएक्शन जब सिल्वर ब्रोमाइड सॉरी सोडियम ब्रोमाइड से होता है तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड का एंड सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली क्या हुआ सेकेंड वाले में एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ आयन्स तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ तो ये इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं सो चलिए देखते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में पूछा गया इससे रिलेटेड फर्स्ट जो हमसे पूछा गया है वेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू पीसीस ऑफ आयरन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस्ड तो हमें बोला गया है कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे हम लोग आयरन सल्फाइड में सो तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन सल्फ़ाइड गैस प्रोड्यूस होगी और सोल्यूबल फेरस सल्फ़ेट जो है वो यहाँ पर फॉर्म होगा ठीक है सो तो, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है सो तो इस जब हम लोग जो है हाइड्रोजन सल्फ आ, जब हम लोग आयरन सल्फाइड का रिएक्शन एच टू फोर के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एफ ई फेरस सल्फेट तो बेसिकली इसमें क्या हुआ बेसिकली इसमें जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ यहाँ पर जो है सल्फर का एक्सचेंज हुआ हाइड्रोजन के साथ और सॉरी सल्फर का एक्सचेंज हुआ सल्फेट के साथ तो सल्फेट आ गया आयरन के साथ और सल्फर चला गया हाइड्रोजन के साथ ठीक है तो इस टाइप के रिएक्शन में क्योंकि दो आयन्स का क्या हुआ है एक्सचेंज हुआ है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है double displacement, double displacement reaction, तो ये रिएक्शन कैसी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैंशन रिएक्शन विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेट्री तो ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए लेबोरेट्री में ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए हम कौन से रिएक्शन का यूज़ करते हैं सो so, लेबोरेट्री uh, में ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली जो यूज़ uh, किया जाता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड सो यहाँ से हमें मिलता है एच टू ओ प्लस ऑक्सीजन गैस सो एच टू हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है गैसेस फॉर्म में ठीक है तो ये कैसे मिलता है ये मिलता है बाय द डी कम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बाई डी कम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच टू ओ टू एच टू ओ टू का जब डीकम्पोजिशन होगा तो उससे हमें वाटर एंड ऑक्सीजन मिलेगा तो इस टाइप से हम लैब में जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस्ड बिलो सो अभी एक रिएक्शन हमें रिप्रेजेंट की गई है इसमें जो है बेरियम क्लोराइड वो रिएक्ट करता है किसके साथ बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ सोडियम सल्फ़ेट सोल्यूशन के साथ तो यहाँ पर क्या बनेगा तो बेसिकली जब बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू और सोडियम सल्फ़ेट का रिएक्शन होगा सोडियम सल्फ़ेट का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बेरियम सल्फेट एंड एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड और ये जो बेरियम सल्फेट होता है वे वाइट कलर का जो है क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है क्या होता है वाइट प्रेसिपिटेट होता है ठीक है तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी क्लियर है सो so क्वेश्चन में हमें गिवन था कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा ठीक है और एन बनेगा इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन गिवन है विच एलिमेंट विच एलिमेंट्स डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सो एल्यूमिनियम को इसके सॉल्ट से कौन से एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर सकते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो उसमें जो है आ, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर हम देखें तो उसमें जो है काशी का माली आलू जरा फीके पकाता है तो एल्यूमिनियम से ऊपर ये चार एलिमेंट है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एल्यूमिनियम से वो क्या कर सकते हैं एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं तो बेसिकली पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव देन एल्युमिनियम सो दीज एलिमेंट कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट ओके थैंक यू